तो गाइस देखो, एक सामने डिब्बा है और इस डिब्बे के अंदर एक लैपटॉप, ठीक है ना। वो लैपटॉप कौन सा है मैं नहीं जानता, ये भाई आपको दिखाएंगे पूरा अनबॉक्सिंग करके। चलो भाई स्टार्ट करो, देखते हैं इसके अंदर वो कुछ ईंट पत्थर ना हो, लैपटॉप ही है कि नहीं है। बाकी लैपटॉप कौन सा है वो टाइटल में आपने देख ही लिया होगा। अरे पहले साइड साइड से चाकू लगा के फाड़ दो ना ऐसे। मेरे पैकेट की सील बहुत अच्छी है। अरे लैपटॉप मेरा नहीं है, भाई का ही है। गाइस बिल फाड़ दिया। ये लव लेटर है, ये लैपटॉप है मसाई का, एमएसआई का लैपटॉप है, देख लो। i7 लैपटॉप है, एमएसआई है, प्रोसेसर इसका i7 है एंड आई थिंक 16 GB रैम है एंड 500 GB हार्ड डिस्क नहीं, SSD है गाइस। और इसके अंदर विंडोज 11 है, और ग्राफिक कार्ड है इसमें 350 एनवीडिया का पड़ा हुआ है, एनवीडिया GTX का इसके अंदर 350 का ग्राफिक कार्ड है। सॉलिड पैकिंग है, डब्बे के अंदर डब्बा, भाई डब्बे के अंदर डब्बा, कहीं गिफ्ट ना निकल जाए। डब्बे के अंदर सिल्ली है लैपटॉप। एंड गाइस अगर किसी को ट्रेडिंग सीखना होगा ना, भाई का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सब्सक्राइब करना। ये रहा चार्जर, ये है यूजर मैनुअल, ये देखिए पावर, पावर केबल हो गए, और ये रहा हमारा लैपटॉप। एंड चलो गाइस अब चलते हैं मेन पे, लैपटॉप पे। ये है लैपटॉप, अब यहाँ दिखाओ लैपटॉप। ऐसे 32 आपके आपके गत्ते में आए थे मेरे में के थे। गाइस देखो ये इसका फर्स्ट लुक है MSI का, ब्लैक है, ऑल ब्लैक, ब्लैक है, EMI है, नीचे फैन है, साथ साइड में हमारे ये दो ईयरफोन और माइक के लिए मिल जाएंगे, ईयरफोन माइक के लिए मिल जाएंगे, और USB, दो USB हैं, और ये मेबी चार्जिंग के लिए दे रखा टाइप सी, ये दे रखा है हमारा एथरनेट इंटरनेट, हाँ, और ये साइड मेरे साथ से कुछ टांगने वाले हैं। एंड पीछे देखा, इसके पीछे पीछे हमारे पीछे आपका ये टाइप सी करके कुछ है, HDMI है, अच्छा HDMI है पीछे, पीछे HDMI है, और ये फैन है। दूसरी तरफ भी हमें ये पता नहीं कौन सा पोर्ट है, पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये आपका चार्जिंग का पोर्ट है, तो फिर ये क्या है, ये चार्जिंग पोर्ट है, ये आपका हेडफोन का है, माइक का है, ये आपका टाइप सी है, ये भी चार्जिंग पोर्ट है, हाँ चार्जिंग पोर्ट ही लग रहा है मुझे, दो दो, ये टाइप सी है, चार्जिंग पोर्ट गोल होता है, और ये वाला चाहिए। USB है, टोटल हमारे पास 3 USB हो गई हैं, टोटल इसमें 3 USB हैं। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं इसको। ये चार्जर है, अभी इसका कवर आया है कीपैड का, भाई पहले इसके कीबोर्ड का लुक देखो, भाई कीबोर्ड देखो बगैर लाइट के, बगैर लाइट के कीबोर्ड, बैक लाइट है इसमें, हां बैक लाइट कीबोर्ड का, हां वो तो है, इंटेल i7 NVIDIA G4 RTX 350 है, ग्राफिक कार्ड में, एंड इसके इसका लैपटॉप का रिफ्रेश रेट टाइमिंग जहां तक मैं देखा था 144 हर्ट्ज़ है, 144 हर्ट्ज़ है। चलो इसको स्टार्ट करो एक बार, चलो इसे स्टार्ट करते हैं, कहां है पावर बटन, ये रहा, बताओ मैं कहां दे रहा, दबा दो, आई थिंक चार्ज, दो सेकंड गाइस लैपटॉप को पहले चार्ज पे लगा ले, मेरे ख्याल से चार्ज नहीं है लैपटॉप। तो गाइस देखो हमारा लैपटॉप हमारा बिल्कुल चालू हो चुका है। एक्चुअली इसके अंदर ना बैटरी नहीं थी इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे गया, इसका चार्जर खोला, ये रहा चार्जर आपके सामने, इसके अंदर लैपटॉप में लगा दिया चार्जर, एंड देन भाई लैपटॉप बूम चालू हो चुका है। अब इसके सामने आपका लुक आने वाला है। एंड गाइस कुछ एक्सेसरीज यहाँ सामने मिली हैं, ये मिला है कुछ, आई थिंक ये हार्ड डिस्क, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क के लिए है, लगाने के लिए इसके अंदर, तो मैंने सोचा भाई आप लोगों को दिखा दूं। गाइस प्लीज भाई वीडियो को लाइक करना, भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। अब जस्ट ए मोमेंट, इसका फर्स्ट सेटअप हो रहा है, हो गया विंडो 11 चालू, तो क्लियर लग रहा है ना एचडी, इसको सेटअप करो, अभी हुआ नहीं है, करना पड़ेगा, इससे पता चल रहा है कि लैपटॉप बिल्कुल नया है। इंडिया करो, इंडियन टाइम, अरे इंडिया इंग्लिश है ना, इंडिया है ना, ऐड लेआउट में स्किप करते हैं, सख्त लौंडा करो, कौन
मैं ही हूँ। तुम कहाँ सकते हो? पिघल गए। तो गाइस फाइनली नेट इसमें कनेक्ट हो गया है। सख्त लौंडा, चेक फॉर अपडेट्स। एंड गाइस भाई के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है वहाँ पर अच्छे खासे आप ट्रेडिंग आप सीख सकते हैं। एंड इस लैपटॉप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं आप चाहते हो इसके रिव्यू, अगर रिव्यू वीडियो तो वो भी मैं बना के डाल दूंगा 1 मंथ बाद, यूज़ करने के बाद। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना। पूरा एक गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग। हाँ, ये पूरा गेमिंग लैपटॉप है, पूरा गेमिंग लैपटॉप। i7 है, 16 GB रैम है, 512 GB SSD है। और मुझे नहीं लगता कि इतना सस्ता कोई और प्रोवाइड कराएगा। इसका प्राइस कितना था? ये 68,000 का ऑनलाइन दिखा रहा था, 68,000 का, और ये मुझे पड़ गया 60 का लगभग, सारे डिस्काउंट लगा के 3,000 रुपये ब्याज जाएगा। तो गाइस 68,000 का लैपटॉप था, भाई को 60,000 का पड़ा है। तो फाइनली हम लोगों ने भाई इसके अंदर अकाउंट लॉगिन कर लिया है। ये पिन डाल दो, इससे आपका लॉगिन होगा जब भी चालू करोगे। हाँ, 4 डिजिट का। हाँ गाइस, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा उसके लिए सॉरी भाई, फैमिली के साथ रहता हो तो इतना तो मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को भी। तो गाइस देखो फाइनली आज के अनबॉक्सिंग में इतना ही था, आप लोगों को दिखाना था, कोई ये रिव्यू वीडियो नहीं थी। अगर आपको इसकी रिव्यू वीडियो चाहिए तो प्लीज़ भाई कमेंट करना। एक महीने यूज़ करने के बाद आपको पूरी रिव्यू वीडियो आपके पास आ जाएगी, कैसा चलता है, कैसा इसमें अंदर गेमिंग का एक्सपीरियंस है और वगैरह वगैरह जो भी होता है। एंड भाई आज की वीडियो में इतना ही था, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना उसको भी। बाय बाय गाइज, जय हिंद।